Hello guys, welcome back to Be The Topper. This is part 3 of Employability Skills of Class 10th. और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में. ये वीडियो छोटा ही रहेगा, इसको पूरा देखना, ठीक है. और एक बात और कि जो इसके पीछे का जो सारा पोर्शन है, आपको लग रहा होगा कि दीदी ने वो छोड़ दिया, वो मैंने इसने छोड़ दिया क्योंकि उसमें आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सब दे रखा है. ये सब गाइस आपको ऑलरेडी पता होता है, तो इसमें हम अपना टाइम ना ज़ाया करें तो बढ़िया रहेगा. हम आ जाते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पे सीधे, जो कि आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने में हेल्प करती है. मतलब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है. अब आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, मतलब ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है. अब आप सबको पता है इस लॉकडाउन में कितने लोगों को स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स हो गई. स्ट्रेस का बेसिकली मतलब होता है कि आपकी लाइफ में टेंशन होते जा रहे हैं, आप लेस प्रोडक्टिव बन रहे हो और साइकोसोमैटिक बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं आपके दिमाग में, ठीक है. आप जो भी काम कर रहे हो वो ठीक से नहीं हो रहा, हमेशा आपको टेंशन टेंशन हो रही है ऐसी ऐसी, और जितनी भी आपकी एनर्जी है वो सारे टेंशन लेने में चले जा रही है, ठीक है. कई बार जो स्ट्रेस होता है वो पॉजिटिव भी होता है, पर कॉमनली अगर उसे देखें तो वो नेगेटिव होता है, जिससे टेंशन बढ़ जाती है, इंसान लेस प्रोडक्टिव हो जाता है और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है, ठीक है. अब आते हैं मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस सबको हो जाता है, ऐसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या क्या उसका इम्पॉर्टेंस क्या है. तो ऐसे ही हम पढ़ने वाले कि स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी. स्ट्रेस मैनेजमेंट का मेनली मतलब ये होता है कि आपको ह्यूमन एफर्ट्स पे ध्यान देना है कि आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे और जो आपका माइंड है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग कर पाए, ठीक है, अच्छे से डिसीजन ले पाए. क्योंकि जब बंदा प्रॉब्लम में होता है, टेंशन में होता है, तो वो गलत डिसीजन ले बैठता है, ठीक है. तो इस चीज़ को आपको अगर ठीक करना है तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा. ओकेजनल स्ट्रेस इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ वंस लाइफ. अब आए दिन कुछ ना कुछ टेंशन दिमाग में होती रहती है, ठीक है. स्ट्रेस रेफर्स टू फिजिकल. स्ट्रेस जो है वो चार तरीके का हो सकता है, एक फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, और मतलब कोई भी टेंशन हो सकती है, कोई सोशल टेंशन भी हो सकती है, उसको भी आप मान लो. मतलब अगर अगर थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है बंदे की लाइफ में तो वो फिर भी थोड़ा बहुत काम कर लेगा, बट कई बार होता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे इंसान की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होते जाती है. अब इधर आ जाते हैं. अब मान लो कि अगर आपको क्या टेंशन हो रही है, मान लो कि मेरा चैनल है, अभी किसी बच्चे ने मुझे बहुत गंदा सा कमेंट कर दिया, ठीक है, मतलब मुझे ख़राब बता दिया, तो मैं क्या करूँ, रोने बैठ जाऊँ? नहीं. अगर मैं उसके मान क्या मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो भी मैं कर रही हूँ वो ठीक ही है. अगर आपको यह पसंद नहीं आ रहा तो आपने वीडियो को डिसलाइक कर दिया और एकदम गंदा सा कमेंट कर दिया कि मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं रोने लग जाऊँ? नहीं. मैं क्या करूँगी, मैं उसको वीडियो को ध्यान से देखूँगी, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों इस बच्चे को समझ नहीं आया, क्या दिक्कत हो गई, फिर उससे बात करी जाएगी, वो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और मेरे को भी ठीक लगेगा और मैं आगे के लिए सीख भी जाऊँगी कि जो गलती मेरे से हो गई अब मुझे दोबारा वो नहीं करनी है, ठीक है. तो मेरे को एक टेंशन हुई थी कि किसी बच्चे को मेरी बात समझ में नहीं आई, तो मैंने क्या करा, उसको बहुत अच्छे से सिचुएशन को लिया, चैलेंजिंग फेज में उसको लेके उसको सॉल्व कर दिया. तो अभी मुझे टेंशन भी मेरे तरफ से भी खत्म है और उस बंदे को जिसको अच्छा नहीं लगा था, समझ नहीं आया था, उसको भी समझ में आ गया. अनमैनेज स्ट्रेस जो होता है वो एंजाइटी और सोरोनेस मतलब दुख ला देता है इंसान की ज़िंदगी में, जिससे मेंटल और फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो जाती है, ठीक है. अब स्ट्रेस का ओरिजिन कहाँ से होता है, इसको आप देखो. स्ट्रेस एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल. कई बार लोगों को मेंटल प्रॉब्लम होता है, सोशल प्रॉब्लम होता है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, कोई फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है. अब सबको पता है कि अगर स्टूडेंट की लाइफ का हम ले तो स्टूडेंट की लाइफ में जो मेंटल प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है, कल टेस्ट है, कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कल पेपर है, कल ये है, कल वो है, मतलब उनको ये टेंशन रहती है. फिजिकल क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है उसको और टेंशन होती रहती है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मतलब मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मेरी हाइट कम है, मेरा मोटापा ज़्यादा है, कुछ कुछ ऐसे दिमाग में चलता रहता है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, ऐसी जो प्रॉब्लम चलती रहती है जो इसमें इंसान को लो सेल्फ एस्टीम फील होता है. देखो गाइस, जिस चीज़ में ना आप कुछ कर नहीं सकते, ये नेचुरल है कि आप पतला और मोटापा तो चलो ठीक है, फिर भी काले गोरा है कोई बंदा, ठीक है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है,
इसकी जो प्रॉब्लम है ये सब कुछ नेचुरल होता है, इसमें आप नहीं, मतलब बहुत सी चीज़ें आप कर भी सकते हो ठीक, बट 100% चीज़ें आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा मैटर मत, ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी है ठीक है, क्योंकि ये जब भी आप इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लग जाओगे ना, तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, मैं बता रही हूँ आपको सच में। तो इन सबको छोड़ दो, क्योंकि ये सब हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता रहता है। तो ये चीज़ें आपको पेपर में लिखने के लिए तो पढ़नी है और अपने दिमाग के लिए भी पढ़नी है। डिस्कॉर्ड अमंग्स फैमिली मेम्बर्स, अब कुछ मतलब कोई कोई मैंने बात अपनी मम्मी से पूछी, उन्होंने मुझे मना कर दिया। मेरे दोस्त ने कोई पीयर प्रेशर, मतलब जो दोस्तों का जो प्रेशर रहता है वो मुझे कुछ भी काम करने के लिए कहते हैं, या फिर मान लो मैंने नहीं मानी, मेरी लड़ाई हो गई, मेरा कोई फ्रेंड है जिससे मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया, तो मतलब ये सब है, स्टेटस में अमीर हूँ तू गरीब है ऐसा है वैसा, ये सब सोशल प्रॉब्लम्स है। इन सबको मतलब आप अपने लाइफ में गोल्स इतने बड़े बनाओ कि ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको कुछ नहीं लगे ठीक है। तो इस इन सब के बारे में आप सोचो ही नहीं। फिर चौथा, फाइनेंशियल, यंगस्टर्स मे हैव एस्पायरेशनल फाइनेंशियल स्ट्रेस। सब बच्चे जो होते हैं, अगर वो 12th तक भी पढ़ेंगे, वो कुछ कमा नहीं रहे होते, पर उनको पैसे तो चाहिए होते हैं ना, बट घर में इतना सारे पैसे, और हमने ये हमेशा से पढ़ा है कि हमारे जो वॉन्ट्स होती हैं वो हमेशा हमारे रिसोर्सेज से ज़्यादा रहती हैं, तो वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी ठीक है। इसके चक्कर में फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता रहता है। अब आप अगर FMM पढ़ रहे हो तो आप कहीं से ये सीखो कि आपको कैसे पैसा बनाना है, ना कि उससे टेंशन लेना है। आप ये सब चीज़ें देखा करो तो ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, कि भाई आप प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ रही है ना, तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो। आप ये मत गाओ कि मेरे पर प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। आप इस चीज़ में दिमाग लगाओ कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है और मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो और उसके बाद सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं दुनिया में जिसे कोई सोल्यूशन ना हो ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर ज़िंदगी में पहली बार आई है और दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम कभी किसी ने उठाई नहीं ठीक है। स्ट्रेस की जो बात है वो सबको हो जाता है, बट कौन इसको कैसे फेस करता है, कौन इसको किस तरीके से लेता है, अपने आप को इसके ऊपर समझता है, उस पे मैटर करता है कि बंदा चैलेंज से, ये स्ट्रेस से जूझ पाएगा कि नहीं जूझ पाएगा ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो आपका मूड भी अच्छा रहता है। मान लो कि आपको बहुत दिमाग खराब हो रहा है, बहुत गुस्सा है, मतलब तो आपको क्या करना है, आपको वो काम नहीं करना है जिस पर भी आपको गुस्सा आ रहा है, उसके पास से हट जाओ, उस जगह से हट जाओ, दूर हो जाओ, आपका मूड अपना आप ही अच्छा हो जाएगा। आप किसी और चीज़ में लग जाओ, एक्सरसाइज करो जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा और आपको बहुत हैप्पीनेस भी उससे मिलेगा। और प्रोमोट लॉन्गेविटी, एक बुक आती है एक गाई करके, जो कि जापानीज लोग इतना ज़्यादा क्यों जीते हैं उनके बारे में दे रखा है। तो ये वहाँ पर ये लोग ये सारी बातें, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैंने वो बुक पढ़ी है, आप भी उसको पढ़ना अगर आपको टाइम मिले तो। उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दे रखी हैं, मतलब मैं इस बुक को उस तरीके से नहीं ले रही हूँ जैसे मैं FMM आपको पढ़ाती थी। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग डेली लाइफ के बारे में ऐसा बात कर रहे हैं, बट ये PDF है और आप लोगों को PDF से ज़्यादा समझ में आता है, दैट्स वाई ये PDF खोल के मैं आपको समझा रही हूँ। बट फिर भी ये लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा मत समझो ओके। और ये सारी जो चीज़ें हैं, आपकी इफ़िशेंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, मेंटल और फिजिकल इंगेजमेंट बढ़ जाती है, और फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है ठीक है। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और बिहेवियरल जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, वो भी ठीक हो जाती है अगर आप एक्सरसाइज करोगे। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी ओके। अब आ जाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पे। तो देखो यहाँ पे जो फिजिकल साइंस हैं वो क्या होते हैं, ब्रेथलेसनेस, मतलब ड्राई माउथ, मतलब आपको ठीक से सांस नहीं आ रही, आपका मुंह सूख रहा है, आपके पेट में है तितलियाँ उड़ रही हैं, बटरफ्लाइज इन स्टमक, इनडाइजेशन, न्यूसिया, एसिडिटी, फटीग, कोल्ड हैंड्स, फीट, इरिटेशन, हाइपर एक्टिविटी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो बंदा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, उसका मुंह सूख रहा है कुछ भी बोलते बोलते, उसको बहुत टेंशन हो रही है, उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी दिखाती हैं फिजिकल साइंस कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मेंटल लेवल पर अगर हम बात करें तो इरिटेशन, बेचैनी, अकेलापन महसूस होना, लोनलीनेस, अपसेट मूड रहता है आपका, एंजाइटी, बेचैनी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, फॉरगेटफुलनेस, ये सारे चीज़ें स्ट्रेस दिखाती हैं मेंटल लेवल पर कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आप ठीक नहीं हो ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन अगर मैं बताऊँ आपको, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सेल्फ अवेयर रहो,
मतलब ये बात है कि अगर आपके संग ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, खुद से उन चीजों को समझना है, अपने आप को समझना है। और ये सब चीजों को आपको अगर टाल मारते रहोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको बोल रहा है कि यार तुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तू इतना टेंशन क्यों कर रहा है ना, तो आपको कि नहीं टेंशन नहीं करा ये, मैं तो ऐसे ही हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। अब अपने घर में बात करो, दोस्तों से बात करो, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और बाकी अगर आपको किसी से बात नहीं करनी तो आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपने कहीं भी देखा होगा कोई भी बंदे, आप यूट्यूब पर भी अभी ये वीडियो चला कर देख लो, कोई भी अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है वो ऐसा बुद्ध सा बनकर एक्सरसाइज नहीं कर रहा होगा, वो लोग अच्छा सा म्यूजिक चलाते हैं बैकग्राउंड में और कितने खुश होकर एक्सरसाइज करते हैं। तो जब आप ऐसे खुश रहोगे, आपकी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से होगी ना, तो आपका जो ब्रेन है उसको इफेक्ट करेगा, वो आपकी जो एक्सरसाइज है वो उसको इफेक्ट करेगी और आपका मूड स्टेबलाइज हो जाएगा, आपका सेल्फ एस्टीम का जो प्रॉब्लम है वो भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और आपकी सोने के जो पैटर्न्स है, स्लीप पैटर्न्स, वो भी ठीक हो जाएंगे। योगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, योगा, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप पढ़ते रहते हो हमेशा, ठीक है, मतलब हमेशा क्या, आप लोग इतना पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं, तो पर जब भी पढ़ रहे हो, बीच में ऐसा लग रहा था कान से, तो जाओ मतलब 10 बार कूद लो, 10 पुशअप्स मार लो, सिटअप्स मार लो, कूद लो कहीं पे, स्किपिंग कर लो, सीढ़ियों पर ऊपर नीचे कर लो, ठीक है, कुछ ऐसा कर लो जिससे आपको ठीक, आपको अच्छा सा महसूस हो। या फिर सुबह में उठकर योगा ज़रूर किया करो, मेडिटेशन दिमाग को, अब ऐसा अब मैं बोलूँगी मेडिटेशन करने के लिए तो लोगों को क्या लगता है ये तो बुढ़े लोगों का काम है योगा करना, एक्सरसाइज करना, तो नहीं गाइज, अगर आपको जिस तरीके से आपको अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए खाना खाना होता है ना, वैसे आपको अपने दिमाग को सही रखने के लिए और एक बॉडी का जो फिजिकल जो फिटनेस है उसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करो, जो मूवीज़ आपको अच्छी लगती है उसको देखो, गेम्स खेलो, पर एक लिमिट के संग, गाना गाओ, नाचो, बच्चों के संग, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके संग खेलो, आपको बहुत मज़ा आएगा। गोइंग ऑन वेकेशन विद फैमिली, कहीं दोस्तों के संग फैमिली के संग घूमने चले जाओ सुबह सुबह या फिर शाम के टाइम में, नेचर वॉक पे जाओ, मतलब नेचर को देखो, पेड़ पौधों के पास जाओ, बर्ड्स के पास जाओ, कुछ डॉग्स के संग खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।